हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, माइक में क्यों हाथ में पकड़ा हुआ हूँ तो यार कहीं ना कहीं आप अगर मेरी वीडियो को देखेंगे तो वहाँ आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं मेरा जो साउंड का है वो थोड़ा प्रॉब्लम चलता है, क्योंकि बैकग्राउंड में इतने सारे साइकिल्स के साउंड होते हैं, क्योंकि जो बैकग्राउंड पीछे में है ना वो मेन रोड है, तो इतने सारे गाड़ी मोटर आते हैं। अभी कुछ दिनों से तो भाई इतना पूजा पाठ चल रहा था कि क्या बताए, पूरा माइक में मतलब पूरा सब चीज़ चल रहा था, तो बैकग्राउंड का जो है बहुत प्रॉब्लम है। और मेरे घर में भी जो है थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है बैकग्राउंड का। इसी वजह से जो है मैं आप लोगों के लिए जो है बोलता हुआ या फिर बोल के जो है कोई ट्यूटोरियल नहीं दे पाता, क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज इतना ज़्यादा रहता है, घर में शोर शराबा इतना रहता है। इसी वजह से जो बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ जो है मैं आप लोगों को ट्यूटोरियल देता हूँ, तो बहुत सारे भाइयों को शायद बहुत सारे ट्यूटोरियल जो है समझ में नहीं आता है। तो ये पहला रीज़न है कि इस वजह से जो है मैं बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ ट्यूटोरियल लेता हूँ, और कुछ वीडियो देता भी हूँ तो उसमें भी आप देखें होंगे कि जो वीडियो बोल के मैं देता हूँ तो बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है साउंड रहता है। सो गाइस, आज का जो वीडियो है ये वो टॉपिक नहीं है। तो आज का जो टॉपिक है, टॉपिक कुछ नहीं है, कुछ बातें जो है आप लोगों के साथ शेयर करना है। जैसे कि आप लोग मुझे जानते हैं कि मेरा जो चैनल है वो काइन मास्टर से ही, मतलब काइन मास्टर का एडिटिंग वीडियो से ही जो है मैंने अपना चैनल का शुरुआत किया था। और आप लोगों से बहुत से भाई जो है जो मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं उनको पता है कि मैंने यूट्यूब के मनी से और मेरे मामा को जो है हेल्प से जो है उन्होंने भी कुछ जो है मुझे सपोर्ट किया था, उसकी मदद से जो है मैंने एक पीसी भी मैंने लिया हुआ था, कंप्यूटर बिल्ड किया था, और उसमें जो है एडोबी आफ्टर इफेक्ट वगैरह बहुत सारे जो है एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो है, खासकर एडोबी आफ्टर इफेक्ट, सिनेमा 4D, तो इस तरह का जो सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल अपने पीसी में किया है। और 1-1.5 साल नीचे की अगर आप वीडियो देखें तो मेरा जो भी वीडियो एडिटिंग है मैंने उसी पे ही मैंने किया है। मगर बहुत से भाई जो है काइन मास्टर का ट्यूटोरियल मांगते हैं, तो भाई ये जो है मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एडोबी आफ्टर इफेक्ट में बनाने के बाद उसको आपको किस तरह से काइन मास्टर में आपको बनाना है वो एक्सप्लेन करना जो है थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि पूरा प्रोसेस उसमें बहुत सारा चीज़ होता है, जो ऐसे ऐसे चीज़ होते हैं, ऐसे इफेक्ट्स वगैरह होते हैं जो कि आपको काइन मास्टर में नहीं मिलता है, मगर उसका सोल्यूशन जो है काइन मास्टर में ढूंढना कभी कभी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और इसी वजह से जो है मैं ज़्यादातर काइन मास्टर में ट्यूटोरियल में खासकर जो है उतना फोकस नहीं कर पाता हूँ। मेरा जो मेन मोटिव ज़्यादातर जो है मैं एक मतलब साइलेंट बैठ के जो है मैं अपना काम करने पर बिलीव करता हूँ, और फिर भी आप लोगों से बहुत भाई जो है ट्यूटोरियल का डिमांड करते हैं, और मेरा भी बनता है कि मैं आप लोगों को कैसे मैंने बनाया है उसका जो है जानकारी आप लोगों तक पहुंचाऊं। सो गाइज, आने वाले वीडियोस में जो है मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं जो है एडोबी आफ्टर इफेक्ट, सिनेमा 4D जो सॉफ्टवेयर है उनके बारे में जो भी मेरा बेसिक नॉलेज है, जो भी टेक्निक मैं दूसरी वीडियोस देख के मैंने जो सीखा है, जो भी मैंने सीखा है, जाना है, जो भी मैं अपने वीडियो में अप्लाई करता हूँ, तो उनका जो ट्यूटोरियल है मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूँ। मगर दिक्कत ये है कि बहुत सारे भाई जो हैं उनके पास एडोबी आफ्टर इफेक्ट या सिनेमा 4D या फिर उनके पास जो है कंप्यूटर पीसी है ही नहीं, या फिर जिनके पास है भी तो उनका जो सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट होता है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब का जो सॉफ्टवेयर उनके पास नहीं होता है। फिर भी भाई लोग, मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि आप अगर एडिटिंग का, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप कोई एडिटिंग मतलब एडिटिंग वीडियो सीखना चाहते हैं, तो इन ट्यूटोरियल को भी आप ज़रूर देखिए, क्योंकि इससे जो है देखो एक टाइम में मेरे पास भी एडोबी मतलब कंप्यूटर ही नहीं था, फिर भी मुझे एडिटिंग का बहुत शौक था, तो मैं जो है एडोबी आफ्टर इफेक्ट, सिनेमा 4D ऐसे बहुत सारे माया जिसका भी ट्यूटोरियल मुझे मिलता था ना किसी भी इफेक्ट का, तो मैं उस वीडियो को देखता था, क्योंकि मैं देखता था तो तब मुझे पता चलता था कि भाई उस सॉफ्टवेयर की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं, मतलब ऐसा क्या क्या कर सकते हैं जो हम काइन मास्टर या फ़ोन में नहीं कर सकते हैं। सो गाइस, गुजारिश यही करूँगा कि आप अगर एडिटिंग सीखना चाहते हैं या फिर कुछ भी नॉलेज जो मेरे पास जो भी थोड़ा बहुत नॉलेज है मैं जो आपके साथ शेयर करूँगा, आप उस नॉलेज को आप जानना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा। तो भाई, आने वाला टाइम में जो है एडोबी आफ्टर इफेक्ट, सिनेमा 4D के रिलेटेड जो भी मेरा वीडियो रहेगा उसका ट्यूटोरियल जो है मैं इसमें दूंगा। पॉसिबल होगा तो काइन मास्टर का भी जो है आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि उसको काइन मास्टर में कैसे बना सकते हैं, या फिर जो भी मेरा प्रोजेक्ट रहेगा अगर मैं उसको ग्रीन स्क्रीन में कन्वर्ट करके आप लोगों तक अगर पहुंचा सकूं, और वो फाइल वगैरह की मदद से जो है आप भी अपने लिए अगर काइन मास्टर में उस तरह के वीडियो बना सकते हैं
तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए वो सारा वीडियो भी जो है बनाऊँ। तो भाई लोग, वीडियो के आखिर में यही कहूँगा कि आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया है, 1 लाख सब्सक्राइबर जो मेरे कंप्लीट हुए हैं, आने वाले टाइम में इसी तरह आप जो है सपोर्ट करते रहेंगे और हमारा चैनल जो है आगे और ग्रो करे, इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।